बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने पिछले महीने 14 जून को दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत के जाने के बाद से ही उनके फैंस बॉलीवुड के कई दिग्गजों पर लगातार निशाना साध रहे हैं और ऐसे में सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, महेश भट्ट और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लोग लगातार ट्रॉल भी कर रहे हैं। वहीं पिछले एक महीने से खुद को लगातार ट्रॉल होते हुए देख रिया ने गुरुवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दो पोस्ट शेयर किए। इस पोस्ट के लिए भी यूजर्स अब रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल पहले पोस्ट में रिया ने बात की सोशल मीडिया पर खुद को मिलने वाली धमकी को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर रिया ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि मुझे कातिल कहा गया, मैं चुप रही, लेकिन मेरी चुप्पी आपको ये कहने का अधिकार नहीं देती कि मैंने आखिर क्या किया है और मैं गलत हूँ। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ कई सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं, मुझे धमकी मिल रही है और मैं साइबर क्राइम से निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों की यूजर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो लोग मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। वहीं दूसरे पोस्ट में रिया चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत सिंह मामले पर सीबीआई जांच की मांग उठाई। उन्होंने अपने ट्वीट में अमित शाह को टैग करते हुए लिखा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती हूँ। अब उनके अचानक जाने के एक महीने बाद इतना समय हो गया कि मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। हालांकि अभी तक सुशांत को न्याय नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सुशांत मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो। बता दें कि यहाँ पर ये जो ट्वीट आई है, ये जो उस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है, ऐसे में अब ट्विटर पर लोग रिया को इस ट्वीट पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती का अकाउंट हैक हो गया है, क्योंकि इस ट्वीट में रिया ने लिखा है आई एम सुशांत सिंह राजपूत गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। एक यूज़र का कहना है कि लगता है कि उनके ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया है, ट्वीट में अजीब गलतियां हैं, नाम के अक्षर छोटे हैं। वहीं किसी यूज़र ने लिखा है कि ऐसे कौन लिखता है कि आई एम सुशांत सिंह राजपूत, जबकि होना चाहिए आई एम सुशांत सिंह राजपूत। तो कई सारी गलतियाँ निकाली है। और बता दें कि सुशांत के जाने के एक महीने बाद रिया ने पहली बार इंस्टाग्राम पर सुशांत के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया था। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए काफ़ी इमोशनल पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि मैं अभी अपने इमोशंस का सामना कर रही हूँ, तुम ही थे वो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, भरोसा दिखाया, उसकी ताकत का एहसास करवाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे सिंपल तरीके से दुनिया को अच्छे से जीना सीखें। जी हाँ, यहाँ पर ये सच है। ये रिया चक्रवर्ती के साथ अब हादसा हो चुका है जहाँ पर रिया चक्रवर्ती का ट्विटर अकाउंट हैंडल हैक्ड हो चुका है, और इसके बाद उन कई यूज़र्स हैं जो रिया चक्रवर्ती की इन गलतियों पर उन्हें बता रहे हैं कि ऐसी गलतियाँ हुई है। उनका मानना है कि लगता है कि रिया चक्रवर्ती का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। नेक्स्ट 9 लाइव सूरज की रिपोर्ट।